मेरा सवाल अजय जी से है। अजय जी हियर। यस सर। सर रुक जाइए, अरे रुकिए एक सेकेंड। हाँ जी प्लीज। ऐसा थोड़ी तू जो कहेगा हम करेंगे, क्योंकि बहन होगी तेरी 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 तुम सबकी। सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी पिक्चरों में काम किया है मैंने, 450 से ज्यादा फिल्मों में। इस फिल्म को लेकर उत्साह अलग तरह का है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, इंटरेस्टिंग फिल्म और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस। फिल्म को बनाने वाले ट्रूली यंग टीम, यंग थिंकिंग, अमूल, नितिन, धोनी, एंथनी, फिल्म के डायरेक्टर अजय। इंटरेस्टिंग फिल्म एंड शॉकिंग टाइटल बहन होगी तेरी। जिस किसी को मैं बताता हूँ कि व्हाट इज योर नेक्स्ट फिल्म कमिंग, आई से बहन होगी तेरी, दे स्टंट फॉर अ सेकेंड, यू नो। एंड अबाउट ऑल ऑनेस्टली टू हैव अ ब्रिलियंट एक्टर लाइक राजकुमार राव प्रेजेंट हिम इन सच अ डिफरेंट वे, इन माय ओपिनियन इट्स नॉट वन ऑफ दोज राजकुमार राव सीरियस काइंड ऑफ एक्टिंग फिल्म। So it's also a challenge for him. It's also a challenge for the makers and everybody. गाने देखो यार, कि मतलब गाने के अंदर वो जो serious किस्म की acting वाला actor, उसका presentation, उसकी सारी चीज इस interesting तरीके से की गई। और of course मैं हूं ना फिल्म में, you know, बहुत समय से फैंस कहते थे कि सर वो बैड मैन जैसा रोल नहीं आ रहा, सर वो जो फिल्म में ऐसी खलनायकी नहीं आ रही। तो सडनली प्रोड्यूसर एंथनी डिसूजा, अमूल, इन दोनों ने मुझे ऐसी एक इंटरेस्टिंग रोल ऑफर किया जो काफी याद दिलाएगा दोस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की। थैंक यू वेरी मच। बगैर कुछ बोले, ओए झिंगे कहाँ गया? मैं नाम भूल गया, तेरा नाम गौरव है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से है तू? हाँ जी, हाँ जी। मुझे पहली बार सुना मैंने। मेरे को पता। थैंक यू, थैंक यू। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर गुलशन ग्रोवर? यस। वन स्मॉल अनाउंसमेंट, ऋषि रिच इज आल्सो हियर, सो कैन वी प्लीज इनवाइट हिम ऑन द, कम ऑन, गिव इट अप फॉर ऋषि रिच गाइस। ऋषि रिच एंड जगीडी इज आल्सो हियर। यस, यू गाइस नो हु जगीडी, यू वांट कम ऑन स्टेज, यू आर गुड। ठीक है, all right, so please, thank you. Anyone else who would like to say something about Rajkumar Rao? Yeah, say a few things, yeah. Say something, yeah. Sir, aapne itna kuch bol diya, I don't know, main kya bolu uske baad. Aap to wahi kamal sir, hum sab jante hain, bachpan se dekh rahe hain aapko. But thank you so much for coming, guys. Aur jaise sir ne bataya, mere liye ye pehli ek aisi film hai jisme aap mujhe probably is avatar mein dekhenge, par mujhe bahut maza aaya. I had a lot of fun. Aur mehnat isme bhi utni hai jitni baaki sab films mein hoti hai, but it's a different genre. और कमाल की टीम है हमारी, और आई होप आपको ट्रेलर अच्छा लगा हो, बट दिस इज माय गारंटी कि हमारी फिल्म ट्रेलर से और 10 गुना ज्यादा अच्छी है। यस सर, थैंक यू। अजय जी, 80s में और भी कई सुपरहिट गाने थे, ये गाना चुनने की, जानू मेरी जान चुनने की कोई खास वजह? मेलोडी अच्छी थी, मेलोडी अच्छी थी, और हम लोगों का विद माय प्रोड्यूसर्स हम लोगों का लगा कि ये मासेस को पसंद आएगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ मेलोडी, दैट्स इट। अच्छा राजकुमार, जिस गाने पे बच्चन साहब और शशि कपूर थिरक चुके हों, वो गाने पे थिरकने का अनुभव कैसा रहा, तो कितना नॉस्टैल्जिक रहे इसके आपके लिए? सर जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने रीफिक्स किया है सॉन्ग को, तो मुझे तो बहुत मजा आया। पहली बार थोड़ा डांस करने का मौका मिला, और श्रुति के साथ वो भी इतनी, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग डांस, अमेजिंग अमेजिंग एक्टर, तो वी हैड लॉट ऑफ फन। उस वक्त ऑफकोर्स ऐसा ध्यान नहीं आया कि शायद बच्चन साहब ने गाना किया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ही बहुत ही नए तरीके से हमने इस सॉन्ग को प्रेजेंट किया है सबके लिए। थोड़ा सा जो तड़का है वो आज का है, तो हमें शूट करने में बहुत ही मजा आया सर। नॉर्मली हमने राजकुमार को नाचते गाते नहीं देखा, और यहाँ पे पहली बार इस तरह के गाने के भी दिख रहे, तो क्या इस फिल्म से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है कहा जाएगा? आई डोंट नो सर, नई शुरुआत होगी कि नहीं देखेंगे वो तो, पर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ सर, जो स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है वो मैं करना चाहता हूँ,
तो बहनों की तेरी भी एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो काफ़ी अलग थी और काफ़ी फनी थी, काफ़ी रिलेटेबल थी. ये इट्स नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडी जिसमें हम कहेंगे कि आप अपना दिमाग घर पे रख के आइए, आप अपना दिमाग प्लीज़ लाइए. और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही रिलेटेबल और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप देख के कहेंगे कि ये तो मैं हूँ या फिर मैं ऐसे किसी को जानता हूँ. दे आर वेरी रिलेटेबल, वेरी ह्यूमन. और वही आई थिंक वही कॉमेडी होती है, जितनी रियल हो उतना ही मज़ा आता है. अजय जी, लाइफ में आपने कितनी बार कहा है अपने बहन होगी तेरी? काफी बारी सर, ये बचपन से कह रहे हैं सर. बचपन से एज एनी एक्टर सेज के एक्टिंग में कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लाइक आपने भी एक्सपीरियंस किया कि कॉमेडी एक्चुअली मुश्किल होता है? वी हैव सीन यू इन एक्चुअली सीरियस रोल्स. सर मैंने ये सीन भी बहुत ही सीरियस, ये रोल भी बहुत ही सीरियसनेस से किया है. शिद्दत उतनी है जितनी बाकी फिल्म्स में होती है. आई डोंट नो सर, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, कॉमेडी कैसी होती है, कैसे करते हैं, आई डोंट नो. मैं तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मोमेंट को हम जी रहे हैं उसको ईमानदारी से जीऊँ, ऑनेस्टी से जीऊँ. अगर उसमें कॉमेडी होनी है तो हो जाती है. लेट मी आंसर दिस. बहुत सालों बाद एक ऐसा एक्टर मुझे दिखा है और जिसके साथ मैंने काम किया है, जिसके साथ ऐसा लगा कि बहुत होनहार है और बहुत कमिटेड है. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि राजकुमार राव बगल में बैठे हैं. मेरे बारे में बोल सर. वो तो आपके छोटा मुंह बड़ी बात सर, आपके बारे में. राज के बारे में बोल सकता हूँ. बिकॉज इट वॉज सच अ प्लेजर, इट वॉज सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. बिकॉज मुझे याद है ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिसमें वो होते भी नहीं थे, वो सीन में है लेकिन कैमरा के सामने नहीं है, फिर भी खड़े होकर क्यूज देते थे हमको, विच आई हैव नॉट सीन. You know, presently I have not seen in any breed of the breed of actors that we have. And वो उनकी timing इतनी अच्छी है कि वो comedy कर रहे हैं, serious role कर रहे हैं, वो जो timing, कड़क जो timing है, उसके वजह से सब कुछ हो जाता है. And he's brilliant as is. Yeah, may I invite these young actors on the stage as well? आ जाओ यार, आइए. आइए आइए, please. आ जाइए जरा. Come come. आ जा. अजय जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे मनीष फ्रॉम नाइन एक्स. जस्ट वांटेड टू कंफर्म, श्रुति नहीं आई आज कोई खास वजह? आई थिंक शी इज आउट ऑफ स्पेशल, एलए में है. ओके, दैट इज. अजय जी, यो हाउ डिड यू कम अप विद दिस टाइटल? बिकॉज़ दिस टाइटल इज वेरी कैची एक्चुअली. सुनते ही मतलब लगता है कि कुछ फिल्मों मतलब ऐसा एक या अजय जी ये टाइटल के बारे में पूछना चाहूंगा कि पहले से ये दिमाग में था ये टाइटल, लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस टाइटल एक्चुअली? बिकॉज़ इट्स अ वेरी कैची टाइटल. एक्चुअली में ये म्यूचुअल डिसीजन है. मैं, अमोल, नितिन, हम लोग टाइटल सोच रहे थे जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो म्यूचुअली हम लोगों का आया कि इस फिल्म का नाम होना चाहिए बहन होगी तेरी. तो होल टीम इज इन्वॉल्व इन दिस. अच्छा, मेरा सवाल है राज सर, मनीष फ्रॉम एलेक्स. सर सवाल ये है कि किसी एक्ट्रेस को देख के अभी तक आपको कभी लगा है कि ये मेरी बहन होती तो ऐसा कुछ? एक्ट्रेस को देख के ऐसा लगा हो कि काश ये मेरी बहन होती? सर आपने डायलॉग नहीं सुना? एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने की लड़की को देख के बोला हो कि कितनी सही है ना, काश मेरी बहन होती. सही है. गुलशन, व्हाट हैव यू टू से अबाउट योर रोल? इन फैक्ट लाइक यू सेड कि दिस रोल वाज वेरी चैलेंजिंग रोल. हाँ, फिल्म में जो कैरेक्टर मैंने किया उसका नाम है धप्पी दादा. धप्पी दादा जब फिल्म में एंट्री करते हैं तो फिल्म की कहानी, फिल्म का सिनेरियो, फिल्म की हैपनिंग्स सब बदल जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं, फिल्म की लव स्टोरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. और ऐसा इंटरेस्टिंग, खतरनाक कैरेक्टर जिसके सामने अब राजकुमार के कैरेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो कह सके या मतलब विस्पर भी कर सके कि ये मेरी बहन नहीं है. क्योंकि इनफैक्ट यू नो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स हैं राजकुमार और मेरे बीच में इस फिल्म के अंदर. एंड ऑफ कोर्स कहाँ गया वो मेरा बेटा बना है, यंग मैन कहाँ? हैरी, 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 हाँ. कान में पी 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 होती है. He plays my son in the picture. And बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स हैं हमारे सभी के. तो जैसे मैंने कहा कि अक्सर फैन ये कहते रहते हैं कि
कोई उस तरह का रोल क्यों नहीं आ रहा जिसमें देख के भय लगे, उस तरह की ड्रामेटिक एंट्री, ये सब अब उस तरह की फिल्मों में रोल होते नहीं हैं। लेकिन फिल्म बहन होगी तेरी में धप्पी दादा का जो कैरेक्टर है, इट इज इन टुडेज रेफरेंस, द एक्टिंग इज इन टुडेज रेफरेंस, बट इट हैज दैट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दैट यू विल बी स्केयर्ड ऑफ, यू विल फील लाइक रनिंग अवे, लाइक ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म डू रन अवे फ्रॉम हिम। तो मजेदार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। My question is to you, and it's a vice versa question. So, see, now that you have entered the Bollywood industry, how many times have you been bhai zone before, and now those girls want you to be your boyfriend? No, I've had a couple of instances where I used to like some particular girl when I was in school, but of course at that time, nothing happened. Luckily, she didn't. She was not my sister, and she never tied Rakhi to me. But now, yeah, there are these girls who messages me now on my social networking site that, hey, what's up? How are you doing? Long time. But now they're married. They're very happily married with kids. So, yeah, it happens. I think it happens when you probably, especially in when you're in films, when you act in films. When I was in Delhi, I was doing theater. I would look up at any actor, whether from television or films, I would be mesmerized. So I think it's the magic of cinema. It's the magic of being on screen that works on those girls now. So how was the overall experience of working with Shruti Hassan? It's a very unique pairing. I mean, we have seen you with Queen and we have seen you with serious acting. So now this is a comic role. So how was the whole experience? No, it was amazing working with her. She's gorgeous. She's beautiful and she's equally talented, whether be it singing or be it acting. You know, like how these guys are saying that I would stand for my cues, stand for their cues, but I'm not bragging about it, but I think it's my job. It's everybody should do that. That's how it should be. There's nothing extra I'm doing. But she would do the same. She would do the same for me. So we've had a great time. Hopefully you'll see that relationship, you'll see that chemistry on screen as well. Gulshan ji, Kamal here. आप जाने जाते हैं टेढ़ी उंगली से, जाने जाते हैं कि कोई भी काम सीधी उंगली से होता नहीं है, टेढ़ी उंगली से होता है। राजकुमार, आपसे जानना चाहूँगा कि लड़की पटाने के लिए कभी भी आपने कुछ टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल किया है कि सीधे रास्ते से हो नहीं रही है तो कुछ ना कुछ टेढ़ी उंगली तो करनी आप मुझे इसके बाद मिलो अलग से, बहुत किस्से हैं मेरे पास। मतलब हाथ ही टेढ़ा कर दिया था हमने तो, उंगली तो क्या टेढ़ी करेंगे। बट वो आप अलग से मिलो मुझे, मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, राब्ता में जो आपकी आपके लुक के बारे में है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही यूनिक लुक है और बहुत ही तारीफ हो रही है उस लुक के बारे में। थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ, कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग रिएक्शन मिला है उस लुक को। यू नो, दीनू इज़ अ गुड फ्रेंड, होमी इज़ अ गुड फ्रेंड, तो जब उन लोगों ने मुझे बताया कि एक स्पेशल अपीयरेंस है और वो चाहते हैं कि मैं करूँ, तो मैंने उनसे पूछा क्या है, देन दे टोल्ड मी अबाउट दिस कैरेक्टर एंड दे शोड मी सम रेफरेंस लुक। तो आई वॉज डैम एक्साइटेड। आई थॉट ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं है और ऐसा शायद कभी जल्दी से करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत एक्टर्स को नहीं मिलता है इतना डिफ्रेंशिएट एक लुक में जाने का, डिफरेंट लुक में जाने का। तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च थी उस लुक के पीछे। कुछ 6 घंटे का प्रोस्थेटिक मेकअप था डेली, कुछ जो हम 8-10 दिन हमने किया था। इट वॉज क्वाइट टफ, क्वाइट पेनफुल एक्चुअली द एक्सपीरियंस। बट आई थिंक नाउ व्हेन आई लुक एट द रिएक्शन, व्हेन आई सी हाउ पीपल रिएक्टिंग टू इट, आई थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट। अजय जी, श्रुति जो है साउथ से है, उसे लखनवी लड़की बिन्नी में ढालने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा था? जी, वर्कशॉप्स लेनी पड़ी, पंजाबी सिखानी पड़ी, क्योंकि मैं पंजाबी बैकड्रॉप से हूँ तो वो आसान था उसका। बट शी इज ए हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस, तो उसने काफ़ी वर्कआउट करा, वर्कशॉप्स ली एंड शी वाज इट देयर। वो एक पंजाबी लड़की कर रही है लखनऊ में, एक पंजाबी फैमिली में, अरोड़ा फैमिली, अरोड़ा फैमिली है वो। Okay, yeah, producer saab. No, nothing is decided as of now. ये सारी अभी speculations हैं. Film में हाँ एक गाना है. एक कौन है बे? Film में एक गाना है जो हमने सुना है कि सनी लियोन, पूरी स्टार कास्ट और मैं उस गाने में हैं. और producer जो है जल्दी हम लोग शूट करेंगे और दिखाएंगे आप लोग। अभी कौन है वो फिक्स नहीं हुआ है,
बट एक सॉन्ग है जो स्टिल टेकिंग दैट कॉल के वो रखना है कि नहीं रखना है. एंजेलिना जोली को बुला देंगे यार, प्रॉब्लम जल्दी आएगा. राजकुमार राप्ता में एक सॉन्ग है दीपिका का. इस फिल्म की बात करो यार. कृति ने बहुत पसंद किया, कहा कि अगर वो लड़का होती तो उनको प्यार हो जाता. आपको कैसा लगा सॉन्ग दीपिका का? कृति ने बोला कि लड़का होती तो प्यार हो जाता. क्या आपको प्यार नहीं है दीपिका से? हम सबको प्यार है दीपिका से. आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल्स वी हैव इन दिस इंडस्ट्री.